हम लोग डिफरेंशिएशन का मतलब ऑलरेडी जानते हैं, कोई भी फंक्शन वर्टिकल लाइन को जब मूव करते हैं यानी एक्स के वैल्यूज को जैसे जैसे चेंज करते हैं फंक्शन का वैल्यूज भी चेंज करता है। एक्स इक्वल टू एक्स वन पे फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ एक्स वन है और एक्स इक्वल टू एक्स टू पे आने पे फंक्शन का वैल्यू बदल के, तो इतना दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड द चेंज इन द वाई कोऑर्डिनेट जो हुआ है, दैट इज कॉल्ड द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड चेंज इन द एक्स कोऑर्डिनेट। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो फंक्शन के बदलने का दर यानी फॉर एवरी वन यूनिट चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स, फंक्शन के वैल्यू में कितना चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड द स्लोप। इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करें तो यहां पे इसका स्लोप इक्वल टू होगा फंक्शन का वैल्यू एट x2 माइनस फंक्शन का वैल्यू एट x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम चाहते हैं कि आप चेंज निकालें, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, ये तो दो पॉइंट्स है x इक्वल टू x1 और x इक्वल टू x2 के बीच में एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालें। अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हमको चाहिए किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, यहां पे बताइए रेट ऑफ चेंज, उसका मतलब हम लोग अगर यहां पे छोटा सा एक सीढ़ी बनाए यानी थोड़ा सा x के वैल्यू में चेंज करके देखें, जैसे किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन है x इक्वल टू x, हम इस पर्टिकुलर पोजीशन पे टेंजेंट का स्लोप चाहते हैं, तो हम अगर थोड़ा सा फंक्शन के वैल्यू को x के वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करें x प्लस h, वेर h इज अ वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, तो फंक्शन का वैल्यू भी थोड़ा सा चेंज कर जाएगा, एफ एक्स से बदल के एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। इस क्वांटिटी को हम लोग डी वाई, लिटिल चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई, और इस क्वांटिटी को डी एक्स कहेंगे, यानी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का वैल्यू ही निकालेंगे इन द लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स अप्रोचिंग जीरो, यानी थोड़ा सा एक्स के वैल्यू को चेंज करके निकालेंगे, जिसको कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फंक्शन का वैल्यू एट एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन का वैल्यू एट एक्स डिवाइडेड बाई एच का लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे एज एच अप्रोचेज जीरो। इसी के लिए एक छोटा सिंबल बनाए हैं डी वाई बाई डी एक्स, इसी के लिए या सिंपली वाई प्राइम या सिंपली एफ प्राइम भी बोल सकते हैं, यानी एफ प्राइम ऑफ एक्स का वैल्यू कहे कि निकालिए, तो आपको ये मैथमेटिकल ऑपरेशन करना पड़ता है। जैसे एक फैक्ट्री हो, इसको डेरिवेटिव फैक्ट्री बोलते हैं, आप इस फैक्ट्री में कोई फंक्शन डालिएगा तो ये सब काम करके एक दूसरा फंक्शन रिटर्न करेगा, जिस फंक्शन को हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन बोलते हैं। एक्चुअली में हम लोग ये सब करके ऑलरेडी देख चुके हैं बारी बारी से, तरह तरह का फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल निकाल के, इस तरह से जब निकालते हैं तो उसको बोलते हैं बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, फाइंडिंग द डेरिवेटिव फंक्शन बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ऑलरेडी हम लोग एक टेबल बना चुके हैं कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस और उनका डेरिवेटिव फंक्शन। अब हम लोग डिफरेंशिएशन पे सवाल बनाने वाले हैं, तो हमको सिर्फ आपको याद दिलाना है कि हमारा जो एलिमेंट्री फंक्शंस का लिस्ट था जिसमें x टू द पावर 2, x टू द पावर 3, x टू द पावर माइनस 1, x टू द पावर 5 बाई 2, यानी x टू द पावर n टाइप का फंक्शन था वेयर n वॉज एनी रैशनल नंबर, इस तरह के फंक्शंस को हम लोग नाम दिए थे एल्जेब्रिक फंक्शंस, फिर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो किसी भी फंक्शन के ग्राफ पे किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट का स्लोप निकालना हो तो हमको एक पहले फंक्शन खोजना पड़ेगा जिसको डेरिवेटिव फंक्शन बोलते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर लेकर के इस फैक्ट्री में घुसिएगा तो 2x फंक्शन रिटर्न करेगा, एक्स क्यूब लेके घुसिएगा तो 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर एन जैसा कोई भी फंक्शन लेकर के इसमें घुसिएगा तो ये एन टाइम्स एक्स टू द पावर एन माइनस 1 रिटर्न करेगा। वो उस ग्राफ पे टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए काम देता है ये फंक्शन। साइन ऑफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन क्या होगा, साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फंक्शन निकाल के यहां लिख करके उसको रटा जाता है, तो साइन ऑफ एक्स प्लस एच, साइन फंक्शन का ग्राफ, एक्स बदलता है
तो साइन फंक्शन का वैल्यू से बदलता है, लेकिन फंक्शन के बदलने का जो दर है वो अलग अलग है। यहाँ पे ग्राफ काफी स्टीप है, यानी थोड़ा सा एक्स बदलने से जो चेंज हुआ है फंक्शन के वैल्यू में, फिर उतना ही से चेंज कीजिए फंक्शन के वैल्यू में कम चेंज होता है, फिर उतना ही में और कम और कम, यानी फंक्शन बदल रहा है लेकिन बदलने का दर कम हो रहा है। इस स्थान पे फंक्शन के बदलने का दर जीरो है, यानी डेरिवेटिव का वैल्यू जीरो है हर जगह पे। यहाँ पे सबसे ज्यादा ढलान है, यहाँ पे सबसे ज्यादा चढ़ाई है, यहाँ पे जीरो है स्लोप। तो हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे स्लोप कैसे निकाल सकते हैं? वी नीड अ डेरिवेटिव फंक्शन। अगर हम एफ ऑफ एक्स साइन एक्स फंक्शन का नाम रखे हैं, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग वही करें, किसी भी पोजीशन एक्स पे जो फंक्शन का वैल्यू है इसको साइन ऑफ एक्स बोलते हैं, जरा सा हम एक्स के वैल्यू में चेंज करेंगे, फंक्शन का वैल्यू अब इतना हो जाएगा। तो फंक्शन के वैल्यू में चेंज इतना होगा। अगर इसी को हम सिंप्लीफाई कर लें तो हमको एक फंक्शन मिल जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स। क्योंकि अलग अलग स्थान पे स्लोप अलग अलग है, तो इसलिए स्लोप का जो फॉर्मूला आना चाहिए वो भी एक्स पे निर्भर होगा, यानी फंक्शन ऑफ एक्स होगा। आइए इसको निकाल के हम लोग एक टेबल में इकट्ठा कर लेंगे सारे एलिमेंट्री फंक्शंस का, साइन ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स, टेन ऑफ एक्स, और इनका रेसिप्रोकल फंक्शंस कोसेक ऑफ एक्स, सेक ऑफ एक्स एंड कॉट ऑफ एक्स। इन सबको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। फिर उनका इनवर्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, टेन इनवर्स ऑफ एक्स, इन सबको एलिमेंट्री फंक्शंस बोलते हैं। इन फंक्शंस का डेरिवेटिव फंक्शन फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल निकाल के इकट्ठा कर लिया जाता है। कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, सेक इनवर्स ऑफ एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, और इसके अलावा देर आर टू एक्सपोनेंशियल एंड लॉग फंक्शंस, ए टू द पावर एक्स टाइप का कोई फंक्शन जिसमें ए को बेस बोलते हैं, यहां ए का वैल्यू जीरो से बड़ा कोई नंबर होना चाहिए और ए का वैल्यू एक नहीं होना चाहिए, और लॉग ऑफ एक्स विथ बेस ए। इतने सारे फंक्शंस को हम अपने टेबल में इंक्लूड करते हैं, टेबल ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस बोलते हैं। इन सभी का हम लोग डेरिवेटिव फंक्शंस निकाल निकाल के यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल यहां पे चार्ट बना लेते हैं, एग्जैक्टली इसी तरीके से जैसे इसको हम लोग देखें। एज एच अप्रोच जीरो, न्यूमरेटर का वैल्यू अलग से निकालेंगे हम लोग, तो साइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, न्यूमरेटर का वैल्यू जीरो अप्रोच करेगा और डिनोमिनेटर का वैल्यू जीरो, यानी यहां एक इंटरमिनेसी है ऑफ द टाइप जीरो बाय जीरो। हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, साइन सी माइनस साइन डी को हम सम को प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। टू टाइम्स यहां हम लिख रहे हैं साइन सी माइनस साइन डी को हम क्या लिख सकते हैं, टू टाइम्स कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू टाइम्स साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं टू टाइम्स कॉस ऑफ सी प्लस डी बटे टू, यानी x प्लस एच बटे टू इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी, एक्स प्लस एच माइनस एक्स बटे टू डिवाइडेड बाई एच। अब हम इस टू को अगर यहां डिनोमिनेटर में ले लें, यानी हम इसको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के रूप में लिख लें, साइन ऑफ एच बाई टू बटे एच बाई टू, लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो। अब सवाल बन गया, इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू हम जानते हैं वन, स्टैंडर्ड फंक्शन है साइन ऑफ डेल्टा बटे डेल्टा, इफ डेल्टा इज अ स्मॉल नंबर क्लोज टू जीरो तो उसका लिमिटिंग वैल्यू वन होता है, और इसका लिमिटिंग वैल्यू अलग से जानते हैं कॉस एक्स। तो इस तरह से हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन निकाल लिए कि थोड़ा थोड़ा करके अगर एक्स को बदलते हैं तो फंक्शन के वैल्यू में जो थोड़ा थोड़ा बदलाव होगा उसका अनुपात क्या होगा, पर यूनिट चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स। कॉस का माइनस साइन ये सबको याद है, हम लोग को नहीं जरूरत है
फर्स्ट प्रिंसिपल से फिर से डिफ्रेंशिएट कर करके अब ये टेबल हम लोग को याद करने का आवश्यकता है। टेन का अगर इन दोनों का निकाल लिए फर्स्ट प्रिंसिपल से तो टेन का निकालने का जरूरत नहीं है फर्स्ट प्रिंसिपल से। हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके कुछ थ्योरम्स भी बनाए हुए हैं जिनको हम लोग एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स बोलते हैं। हम लोग क्या क्या एलजेब्रा बनाए हैं कि किसी फंक्शन यू को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें और उसका डेरिवेटिव कहें कि निकालिए। ए सिंबल हमारा है, या तो हम डी बाई डी एक्स बोलेंगे निकालिए ऑफ सम फंक्शन, जैसे कि एक ऑपरेटर है ये डेरिवेटिव ऑपरेटर, यहां पे रिक्त स्थान लिखा है। क्या करता है काम ये फैक्ट्री, आप एक फंक्शन डालिए एफ तो उसका डी एफ बाई डी एक्स कैलकुलेट करके हमको रिटर्न करता है, हम समझ जाएंगे कि हम ये रिटर्न करता है, या शब्दों में कहेंगे डेरिवेटिव रिटर्न करता है, या एक सिंबल सिर्फ लिखा रहेगा एफ प्राइम। तो यहां पे कोई फंक्शन यू है अगर उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके अगर उसका डेरिवेटिव निकालें सी टाइम्स यू प्राइम के बराबर होगा, यानी कि अगर हम फाइव टाइम्स एक्स स्क्वायर को अगर हम डेरिवेटिव फैक्ट्री में घुस जाए लेके तो ये रिटर्न जो करेगा वो डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव एक्स स्क्वायर, जो कि फाइव हमारे एलजेब्रा के अनुसार अभी साबित कर सकते हैं इनसे बातों को यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल, हम लोग साबित कर सकते हैं कि इट इज इक्वल टू फाइव टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ द एक्स स्क्वायर फंक्शन, यानी फाइव टाइम्स टू एक्स यानी टेन एक्स। तो पहला एलजेब्रा यही कह रहा है, अगर हम कहें कि थ्री बटे एक्स इस फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन बताइए तो इट इज थ्री टाइम्स एलजेब्रा के अनुसार वन बाई एक्स का डेरिवेटिव, यानी एक्स टू द पावर माइनस वन का डेरिवेटिव। और एक्स टू द पावर माइनस वन का डेरिवेटिव क्या होगा वो हम लोग को पहले से पता है, माइनस वन टाइम्स एक्स रेस टू द पावर ऑफ माइनस टू। तो पहला एलजेब्रा ये। तो बिफोर वी स्टार्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन डिफरेंशिएशन, मतलब ये जो चैप्टर पे हम लोग सवाल बनाएंगे ना उस चैप्टर का सारा सवाल होगा सेम, आप हैं द डेरिवेटिव फैक्ट्री जो आप यही आपका काम है, हम आपको हर सवाल में क्या पूछेंगे, एक फंक्शन दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि उसका डेरिवेटिव बताइए बस। अगर इस चैप्टर में हम लोग 20 सवाल डिस्कस करने वाले हैं तो 20 का 20 सवाल ऐसा ही होगा। स्टेप वन इज डिफरेंशिएट करने में आपको भी डिफरेंशिएटर बनना है, अ स्मार्ट डिफरेंशिएटर। आप फिर अगली बार जब हम इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ रहे होंगे तो आपको इस तरह का सिंबल है इंटीग्रल का, यहां रिक्त स्थान डी एक्स और इस तरह का सिंबल है डिफरेंशिएटर का और इंटीग्रेटर का, यानी आप जब इंटीग्रेशन पढ़ रहे होंगे तो हम एक फंक्शन देंगे आप यहां लिखेंगे, आप एक आंसर में के फंक्शन बताएंगे जिसका डेरिवेटिव इसके बराबर, तो उस समय देखेंगे। अभी आपको डिफरेंशिएटर बनना है, अगले दो तीन दिन तक लगातार फंक्शन देंगे आप हमको उसका डेरिवेटिव बताएंगे, दैट्स ऑल। तो संबंधित सारा बात सीख लें, यू फर्स्ट नीड टू रिमेंबर दिस टेबल, इसके बिना तो नहीं बढ़ सकते, एंड यू नीड टू रिमेंबर द अलजेब्रा। इसको सम रूल बोलते हैं, दो फंक्शन को ऐड करके कोई फंक्शन बनाए और उसको कहें कि डिफरेंशिएट कीजिए, इट इज इक्वल टू सम ऑफ द डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव ऑफ द सम इक्वल सम ऑफ द डेरिवेटिव्स, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव बटे एक्स प्लस नाइन इस फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन बताइए। तो अगर आप इसका अलग से जानते हो, इसका अलग से जानते हो माइनस फाइव बाई एक्स स्क्वायर और इसका अलग से जानते हो जीरो, तो आप सबको ऐड कर दीजिए, यही लिखा है द सेकंड रूल। थर्ड रूल इज कॉल्ड द प्रोडक्ट रूल, दिस इज कॉल्ड द सम रूल, द प्रोडक्ट रूल, यू इंटू वी प्राइम प्लस वी इंटू यू प्राइम। द फोर्थ इज कॉल्ड द क्वोशेंट रूल, अगर कोई फंक्शन हम यू बटे वी जैसा कोई फंक्शन बना के दें
x square plus 1 divided by 2x plus 3 इस फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन बताइए। हम लोग बहुत बार कर चुके हैं इन सब चीजों को फिजिक्स में, जब से पढ़ाई शुरू किया तब से लेकर अब तक। कैलकुलस हम लोग डे जीरो से इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द डेज ऑफ काइनेमेटिक्स। तो यहां वी स्क्वायर वी इंटू यू प्राइम माइनस यू इंटू वी है। और एक आखिरी है द चेन रूल बोलते हैं, जो कॉम्पोजिट फंक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कहें स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव बताइए। तो यहां पे कॉम्पोजिट फंक्शन है, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन है, आप अलग से स्क्वायर रूट का जानते हैं, यानी एक्स टू द पावर हाफ का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जानते हैं। स्क्वायर रूट का जानने का मतलब एक्स टू द पावर हाफ नहीं, डी टू द पावर हाफ विथ रिस्पेक्ट टू टी, आर्म टू द पावर हाफ विथ रिस्पेक्ट टू आर्म, ये सब एक ही बात लिख रहे हैं। यहां एक्स बोलना जरूरी नहीं है, एक्स इज कॉल्ड द डमी वेरिएबल। तो जब हम कहें कि हम रूट फंक्शन का डेरिवेटिव जानते हैं, तो दैट डज नॉट नेसेसरली मीन कि एक्स टू द पावर हाफ का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो 1/2 रूट एक्स आएगा, हम ही जानते हैं, नहीं, इसका आंसर भी जानते हैं, 1/2 रूट टी आएगा, इसका 1/2 रूट आम आएगा। साइन फंक्शन का बोलते हैं कि डेरिवेटिव जानते हैं, साइन एक्स का नहीं बोलते हैं। यहां लिखे हैं साइन एक्स, अरे कोई तो एक वेरिएबल का नाम रखेंगे ना, साइन टी का डेरिवेटिव सेम आंसर है, कॉस फंक्शन। तो चेन रूल के बारे में भी हम लोग बहुत विस्तार से कई बार सुन चुके हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो ये रूट टी समझिए कि लिखा है, और पहले विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करना होगा, फिर टी को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना था, हम डी टी से डिवाइड, डी टी से मल्टीप्लाई कर दिए। डी टी एक नंबर है, लिटिल चेंज इन द वैल्यू ऑफ टी, सो इट इज सम रियल नंबर, ये भी एक नंबर है, डी ऑफ रूट टी, लिटिल चेंज इन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन। तो ये है 1/2 रूट टी, मतलब 1/2 रूट इतना, उसके बाद आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, टू एक्स माइनस थ्री, इसको हम लोग चेन रूल बोलते हैं। यानी कि अगर फंक्शन ऑफ अ फंक्शन हो, ये सब मान लीजिए एक्स का फंक्शन है, चाहे टी का, जेड का, इसीलिए प्राइम लिख दिया, प्राइम का मतलब अगर यू प्राइम लिखे तो उसका क्या मतलब, डी यू बाई डी क्या, जिस चीज का फंक्शन होगा यू, यू अगर एक्स का फंक्शन है तो यू प्राइम का मतलब डी यू बाई डी एक्स, अगर यू यहां टी का फंक्शन है तो यू प्राइम का मतलब डी यू बाई डी टी, यू अगर लैम्डा का फंक्शन है तो यू प्राइम का मतलब डी यू बाई डी लैम्डा। तो यू ऑफ वी ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, इसका प्राइम, यानी कि आपको डी बाई डी एक्स निकालना है ऑफ दिस फंक्शन। तो u x का फंक्शन नहीं है, u v का फंक्शन है। तो u अगर स्टार का फंक्शन है तो आप u को डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू स्टार ही कर सकते हैं, नथिंग एल्स। अगर u x का फंक्शन होता तो विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं। u अगर x का फंक्शन है मतलब x के वैल्यू पे निर्भर है u का वैल्यू, यानी x बदलेगा तो u बदलेगा, तो डिफरेंशिएट भी करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। U अगर x का फंक्शन है और कहें कि डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टी, यू कांट, क्योंकि u का वैल्यू को t से कोई संबंध ही नहीं है, t के बदलने से u का कोई मतलब लेना देना नहीं। तो यहां u v का फंक्शन है, v x का, तो आप du by dv बोल सकते हैं, करें du by dx नहीं। तो हम पहले इसको विथ रिस्पेक्ट टू v डिफरेंशिएट करेंगे, इसको सिर्फ u प्राइम लिखेंगे, यू प्राइम सिंबल भूलिए मत किसके लिए। अगर यू स्टार का फंक्शन है तो जब यू प्राइम ऑफ स्टार बोलेंगे तो आप समझिएगा डी यू बाई डी स्टार कर रहे हैं, यू प्राइम का मतलब डी यू बाई डी एक्स नहीं, तो आपको इस पूरे का प्राइम निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ इतना, तो आप पहले यू प्राइम ऑफ वी निकालेंगे, जिसका मतलब है कि वी को कुछ टी मान रहे हैं मन में,
और du by dt ये है जिसके लिए सिंबल v prime है। अब v prime of x, देखिए यहां prime का मतलब है dv by dx, यहां prime का मतलब है du by d जो भी है, एंड दिस इज कॉल्ड द चेन रूल। ये हम इतना तेजी से इसलिए बता दिए क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएशन एंड द अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में बहुत बार बात करें। ये टेबल कंप्लीट करते ही हम लोग सवाल बनाने की स्थिति में आ जाएंगे। अब टैन का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालते हैं तो टैन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस टैन ऑफ एक्स बटे एच, लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो, ऐसे निकालते। अगर हम टैन एक्स को एफ बोल रहे हैं तो एफ प्राइम का मतलब ये हुआ। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल रहे हैं तो हम इसको कैसे निकालेंगे, साइन ऑफ एक्स प्लस एच बटे कॉस ऑफ एक्स प्लस एच लिखेंगे, माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस एच बटे एच टाइम्स कॉस ऑफ एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो। न्यूमरेटर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी है तो उसको साइन ऑफ ए माइनस बी, यानी न्यूमरेटर सिर्फ साइन एच हो गया। डिनोमिनेटर में एक एच यहां है, यहां वन बाई कॉस एक्स है, वन बाई कॉस ऑफ एक्स प्लस एच है। अब हम एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर अलग अलग फंक्शंस का लिमिटिंग वैल्यूज पता हो तो पूरे का लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए गुणा कर सकते हैं। दिस इज वन, दिस इज वन बाई कॉस एक्स, दिस इज वन बाई कॉस एक्स, दिस इज वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। और अगर हम एलजेब्रा का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम tan x फंक्शन को जानते हैं sin x by cos x, तो d by dx ऑफ दिस फंक्शन लिख सकते हैं cos स्क्वायर x यूजिंग दिस quotient रूल, cos x मल्टीप्लाइड बाई sin का डेरिवेटिव विच इज cos x माइनस sin x मल्टीप्लाइड बाई cos का डेरिवेटिव विच इज माइनस sin x। तो न्यूमरेटर बिकम्स 1, डिनोमिनेटर cos स्क्वायर x, we are left with sec square of x। पर अब जरा इस जंजाल से बाहर निकलते हैं हम सब। We have had enough of all this nonsense। टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। cosec x फंक्शन का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x टाइम्स cot x, sec x टाइम्स tan x। sec x को अगर लिखिएगा 1 बाई cos x, f इक्वल टू एफ प्राइम निकालने के लिए cos स्क्वायर x, cos x इंटू वन का डेरिवेटिव विच इज जीरो माइनस वन इंटू cos x का डेरिवेटिव विच इज माइनस sin x, तो sin x बटे cos स्क्वायर x, इट इज sin बाई cos tan, एक cos का रेसिप्रोकल sec, हेंस द रिजल्ट। ऐसे ही हम बताना चाह रहे हैं कि केवल फर्स्ट प्रिंसिपल से इन्हीं दोनों को निकालने का जरूरत है, बाकी सब सारा खेल है इसको प्रूफ कर पाना, जो कि हम लोग प्रूफ नहीं किए। बट ऑल दीज थ्योरम्स और एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स कैन बी इजीली प्रूफ यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल, जो हम स्किप कर रहे हैं। हम लोग के इस इम्तिहान में तो असल में कोई पूछने नहीं वाला है ना कि प्रूफ यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, नहीं तो करके दिखाते हैं। cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, साइन इनवर्स एक्स, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे थे। साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का ग्राफ भी हम लोग जानते हैं ऐसा होता है, माइनस वन से वन के बीच में डिफाइंड होता है और माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में नंबर्स रिटर्न करता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन। इस ग्राफ में किसी भी जगह स्लोप निकालना है तो हम लोग शुरू करते हैं, लेट y बराबर साइन इनवर्स x इंप्लाइज साइन y बराबर x। अब हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, d बाई डी एक्स ऑपरेटर लगाते हैं दोनों तरफ, तो बाएं तरफ चेन रूल लगाना पड़ेगा, d बाई डी वाई पहले करना होगा इंटू डी बाई डी एक्स, तो बाएं तरफ हो जाएगा cos y इंटू y प्राइम बराबर 1। और इस प्रकार हम लोग y प्राइम d बाई डी एक्स, एक फंक्शन तैयार हो गया 1 बटे cos y।
पर x के टर्म्स में अगर चाहिए एक्सप्रेशन तो साइन y बराबर x है तो cos y बराबर होता है प्लस और माइनस रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर y। अब प्लस लेके माइनस, तो चूंकि इस पे हर जगह स्लोप पॉजिटिव है तो हम लोग का फॉर्मूला तैयार हो गया। ये बात सब हम लोग विस्तार में सीखे हैं जब इंडिविजुअल फंक्शंस पढ़े हैं हम लोग, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, लॉग फंक्शन, तो उसी समय हम लोग विस्तार से सीखे थे डेरिवेटिव्स ऑफ इंडिविजुअल फंक्शंस। तो इस फंक्शन के ग्राफ पे अगर आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना हो तो यू हैव दिस फंक्शन, x इक्वल टू जीरो पे स्लोप निकालना, यहाँ पे टेंजेंट सबसे कम स्टीप है, यहाँ पे सबसे स्टीप है, इनफाइनाइट स्लोप घटते 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 वन हो जाएगा यानी 45 डिग्री एंगल, अब फिर स्लोप बढ़ने लगेगा इन्फिनिटी हो जाएगा और इसका स्लोप माइनस इतना आता है। क्यों? हम लोग पढ़े थे कि साइन इनवर्स फंक्शन और कॉस इनवर्स फंक्शन दोनों को एड करके अगर कोई एक फंक्शन बनाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आता है कॉन्स्टेंट पाई बाई टू। तो दो फंक्शन का सम अगर कांस्टेंट है, f प्लस जी अगर कांस्टेंट है तो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो f प्राइम प्लस जी प्राइम बराबर जीरो होगा, यानी ये जिस दर से बढ़ रहा है सेम सेम पोजीशन पे ये ठीक उसी दर से घट रहा होगा, तभी तो दोनों का सम x बदले तो इसका वैल्यू तनिसु बढ़ गया और उसका वैल्यू तनिसु घट जाता है, सेम मात्रा से घटता है तभी तो दोनों का सम कांस्टेंट रहता है। इसीलिए इसका जितना स्लोप आता है किसी भी एक्स पोजीशन पे इसका स्लोप उस ग्राफ का स्लोप उतना ही आता है विथ माइनस साइन, ये इंक्रीजिंग है वो डिक्रीजिंग है थ्रू आउट, ये सब भी हम लोग बहुत डिटेल में सीख चुके। टैन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा है, वो भी इंक्रीजिंग फंक्शन है बिल्कुल उसी प्रकार, लेट y बराबर tan इनवर्स x देन tan y विल बी इक्वल टू x देन दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं और इस प्रकार tan इनवर्स x फंक्शन का ग्राफ और cot इनवर्स माइनस वन बाई वन प्लस x स्क्वायर, क्योंकि cot इनवर्स का ग्राफ वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और किसी भी पोजिशन पे देखिएगा तो उसका स्लोप और इसका स्लोप सेम मैग्नीट्यूड का होता है अपोजिट साइन पॉजिटिव नेगेटिव। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स अगर कोई फंक्शन जोड़ के बनाते हैं इन दोनों का ग्राफ को ऐड करके तो एक स्ट्रेट लाइन आता है पाई बाई टू हाइट पे। सो दिस वाज एक्सपेक्टेड। और कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स ये है साइन इनवर्स का ग्राफ, यहीं से हम लोग ऐसे करके दो टुकड़ा बना देते हैं कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, उसका स्लोप हर जगह नेगेटिव होगा और सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसे होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, उसका स्लोप पॉजिटिव करता है। सेक इनवर्स एक्स के किसी भी पोजीशन पे स्लोप वन बाई मॉड एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन आया था, मॉड एक्स हर जगह पॉजिटिव है। सेक इनवर्स एक्स फंक्शन डिफाइंड है फॉर ऑल नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन यानी एक्स का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से माइनस वन तक या वन से लेके प्लस इंफिनिटी के बीच में, माइनस वन से वन के बीच में साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स डिफाइंड है और इसके बाहर कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स फंक्शन डिफाइंड है। यानी इस एक्सप्रेशन में एक्स की जगह जो नंबर डालेंगे आप मैग्नीट्यूड में एक से बड़ा, नहीं तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन रूट अंडर, और इस एक्सप्रेशन में जो एक्स के जगह नंबर डालेंगे वो मैग्नीट्यूड में एक से छोटा होगा, नहीं तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा। कोसेक इनवर्स का डेरिवेटिव फंक्शन माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसलिए कि कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स फंक्शन को ऐड कीजिए तो एक कॉन्स्टेंट फंक्शन आता है पाई बाई टू, तो उसका स्लोप भी उस कंडीशन के अनुसार नेगेटिव नंबर आएगा। दो फंक्शन बचा, ए टू द पावर एक्स का ग्राफ दो ही तरह का होता है ऐसा, अगर ए एक नंबर हो एक से बड़ा 1.7 टू द पावर एक्स, 2 टू द पावर एक्स, 2.3 टू द पावर एक्स, 56 टू द पावर, और ऐसा
अगर a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शन हो 0.2 टू द पावर x, 0.8 टू द पावर x, उस ग्राफ पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप वही फंक्शन होता है. एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डेरिवेटिव भी वही मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट ln ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ a. जैसे 2 टू द पावर x का जो ग्राफ होगा ये 2 टू द पावर x का ग्राफ है y बराबर, तो इसकी स्लोप निकालना हो तो इसी पॉइंट पे हाइट जो है वो 2 टू द पावर x से निकलेगा और टेंजेंट का स्लोप विल बी 2 टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट ln 2. 3 टू द पावर x का स्लोप 3 टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय ln 3. 5 टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव यानी विथ रिस्पेक्ट टू x. तो पहले विथ रिस्पेक्ट टू माइनस x करेंगे. 5 रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव आप जानते ही विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है. या 5 टू द पावर माइनस x को हम डिफरेंशिएट करने बोल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट वी डोंट. 5 टू द पावर अगर अमरूद लिखा है तो अमरूद के रिस्पेक्ट में जानते हैं डिफरेंशिएट करना है, टेबल तो वही लिखा है. तो हम पहले उसको विथ रिस्पेक्ट टू माइनस x डिफरेंशिएट करेंगे. 5 टू द पावर माइनस x टाइम्स ln 5 इनटू अब माइनस x का डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x और एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे. दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ 5 रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस x. एंड लास्ट फंक्शन लॉग ऑफ x विथ बेस a. इसका ग्राफ चूंकि ये इनवर्स फंक्शन है लॉग का दो ही ग्राफ आया था ऐसे और ऐसे डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ a. एक से बड़ा है a तो ये वाला ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. a का वैल्यू एक फ्रैक्शन है 0 से 1 के बीच में तो ये ग्राफ. लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव अलजेब्रा आता है 1 बाई एक्स. कोई भी लॉग का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स यानी उसको स्लोप निकालना हो तो यू 1 बाई एक्स यूज दी फंक्शन 1 बाई एक्स इंटू सम कॉन्स्टेंट. अलग अलग लॉग का ग्राफ का स्लोप तो अलग अलग होगा ना, सेम कैसे होगा. अब यहीं पे हम लॉग एक्स विथ बेस 2 का ग्राफ बना दिए, यहीं पे हम लॉग एक्स विथ बेस 3 का ग्राफ बना दिए. तो किसी भी पोजिशन एक्स पे जो स्लोप है वो दोनों का अलग अलग है, इसका स्लोप उसका स्लोप. लेकिन डेरिवेटिव फंक्शन सबका ऐसा ही आता है अलजेब्रा. एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल था, ट्रिग्नोमेट्रिक का डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक था, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ऑफ ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव अलजेब्रा है अलजेब्रा है. एक बार और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव भी ट्रिग्नोमेट्रिक था यानी कि पीरियोडिक था. ये फंक्शन पीरियोडिक था, उनका स्लोप्स भी पीरियोडिक था, रिपीट कर रहा था रेगुलर इंटरवल्स के बाद. लेकिन उनका जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस था देवर नॉट पीरियोडिक, देवर नॉट रिपीटिंग, इसलिए उनका डेरिवेटिव फंक्शन भी पीरियोडिक नहीं आया था. एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव भी एक्सपोनेंशियल था. यही तो खास बात है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का. लेकिन उनका जो इनवर्स फंक्शन था उसका डेरिवेटिव अलजेब्रा आया था. जैसे इन सभी का डेरिवेटिव अलजेब्रा भी अलजेब्रा. डिनोमिनेटर में एक कांस्टेंट था ln a यानी log x विथ बेस 2 का डेरिवेटिव फंक्शन 1 बटे एक्स टाइम्स ln 2. अब हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं. आज यहीं समाप्त कर रहे हैं.